गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हमने प्रीवियस पार्ट पढ़ा था, पार्ट सिक्स में हमने अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स और गोइंग टू वाले सेंटेंसेस समझे थे कि सर से वो एक्टिव से पैसिव में चेंज होते हैं, वो जाना था हमने। टुडे वी शैल रीड पार्ट सेवन। हम पार्ट सेवन से पढ़ेंगे आज इम्परेटिव सेंटेंस। वॉट इज मीनिंग ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस? इम्परेटिव सेंटेंस का वो मतलब होता है, इसको अपने आप कह सकते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको अज्ञार्थक वाक्य। अज्ञार्थक वाक्य का मतलब ये होता है वे सेंटेंस जो सीधे ही वर्ब से स्टार्ट होते हो, उन्हें इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इनके सेंटेंस जब जैसा एग्जाम में हमारे सेंटेंस आए इम्परेटिव सेंटेंस को, तो एक्टिव के सेंटेंस आते हैं, उन्हें जब पैसे में चेंज करते हैं तो किस तरह चेंज करते हैं, देखिए पहले फॉर्मूला। देखिए फर्स्ट फार्मूला है इसका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पीवी बनता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है। इसका नेगेटिव डॉन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पीवी बनेगा लैट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए इम्परेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। देखिए अफर्मेटिव में जो एक्टिव का सेंटेंस आता है उसमें पहले वर्ब आएगा, वर्ब के दौरान पर जो ऑब्जेक्ट आता है उसको हम जब भी पीवी में चेंज करेंगे तो फर्स्ट में पहले लेट यूज़ करना है, लेट के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बी और बी के बाद लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसी तरह नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे इसके, तो एक्टिव के जो सेंटेंस आते हैं उसमें डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा, उसको हमें नेगेटिव में चेंज करना है पीवी बनाना है से, तो पहले लेट फिर ऑब्जेक्ट नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अंडरस्टूड की बात है ना? बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं ऑब्जेक्ट के बाद में बी प्लस नॉट लिखते हैं, जबकि वो सेंटेंस क्या होता है रॉन्ग हो जाता है। तो ध्यान रखना हमेशा ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद बी आएगा। अंडरस्टूड? अब इनके सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं देखिए आप। कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी आते हैं जिसमें प्लीज सेंटेंस यूज होता है, प्लीज है, काइंडली जैसे वर्ड होते हैं, तो वो सेंटेंस कैसे चेंज होते हैं देख लीजिए आप। जैसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि प्लीज हेल्प द नीडी। देखिए अब जैसे प्लीज वाले सेंटेंस एग्जाम में आ जाते हैं, और प्लीज वाले आपको जैसा पता है हेल्प प्लस हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब नीडी पर्सन। तो अंडर जैसे हमें ये पता हमें होना चाहिए कि प्लीज़ वाले सेंटेंस आए तो हमें कौन सा फॉर्मूला अपनाना है। जब भी प्लीज़ वाले सेंटेंस अब एक्टिव में सेंटेंस आते हैं इनके इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, जब उसको पीवी मतलब पैसे में चेंज करते हैं तो कैसे चेंज होता है देखिए। आपको प्लीज़ की जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू ये वर्ड यूज़ करना है, इसके तुरंत बाद एज इट इज जो भी है वो आपको शामिल लिखना है बेटा। अंडरस्टूड? तो प्लीज़ वाले जब भी सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस आते हैं तो हमें प्लीज़ को किस तरह चेंज करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द नीडी। अंडरस्टूड? प्लीज़ वाले सेंटेंस काइंडली जैसे वर्ड्स आते हों तो वो सेंटेंस किस तरह चेंज होगा एक्टिव के पैसिव में, यू आर रिक्वेस्टेड टू जो सेंटेंस होगा वो एज इट इज आगे आपको लिखना है। अंडरस्टूड? ये हुए प्लीज़ वाले सेंटेंस। अब देखिए वो लेट वाले सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं हम। ओपन द विंडो डॉन्ट टीज द पुअर
डोंट वेस्ट योर टाइम काइंडली लेंड मी योर पेन Write all sentences Don't insult the less Respect our parents. Follow the traffic rules. Follow the traffic rules. देखिए मैंने आपके सामने कुछ एक्टिव के सेंटेंस दिए हैं, इससे हमें पीवी में चेंज करना है। जैसा मैंने आपको इससे पहले फार्मूला बताया, फार्मूला को आपको फॉलो करते हुए सारे सेंटेंसेस चेंज करने। देखिए मैं चेंज कर रहा हूँ। फर्स्ट सेंटेंस है ओपन द गेट, ये होगा लेट द विंडो बी ओपन। नेक्स्ट सेंटेंस में नेगेटिव वाला है तो इसका होगा द पुअर, सॉरी लेट द पुअर We not be teased. Next sentence होगा let your time not be wasted. अब kindly जैसे मैंने बताया please, वो kindly वाले word आया इसमें change होता है you are requested. टू लैंड मी योर कार। नेक्स्ट सेंटेंस में होगा लेट ऑल सेंटेंसेस बी रिटर्न, ये चेंज होगा Let the elders not be insulted. और last sentence होगा Let the traffic rules be followed. ये थे हमारे imperative sentences, जैसा कि मैंने changes किए हैं one by one. फर्स्ट सेंटेंस है हमारा ओपन द विंडो, उसका होगा लेट द विंडो बी ओपन। डोंट टीज द पुअर वाला होगा लेट द पुअर नॉट बी टीज। नेक्स्ट सेंटेंस होगा लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड, और काइंडली और प्लीज वाला सेंटेंस ऐसा मैंने आपको बताया यू आर रिक्वेस्टेड टू लैंड मी योर कार। राइट ऑल सेंटेंसेस का होने का लेट ऑल सेंटेंसेस बी रिटर्न। डोंट इंसल्ट द एल्डर्स का होगा लेट द एल्डर्स नॉट बी इंसल्टेड। फॉलो द ट्रैफिक उसका होगा लेट द ट्रैफिक रूल्स बी फॉलोड। तो इस तरह से ये इम्प्रूव सेंटेंस थे, और देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं। और मॉडल्स के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होते, देखिए मॉडल्स के अकॉर्डिंग कैसे एक्टिव टू एक्सप्रेसिव सेंटेंसेस। देखिए आप एक्टिव का देख लीजिए सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका पीवी बनता है ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल्स बी प्लस आपकी थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, इसका नेगेटिव बनेगा
ऑब्जेक्ट्स मॉडल्स नॉट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव पहले मॉडल्स आ जाएंगे फिर ऑब्जेक्ट फिर बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव सेंटेंस और लास्ट है हु वाला सेंटेंस हु मॉडल्स हु मॉडल्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इसका पीवी बनेगा बाय होम प्लस मॉडल्स प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म ये सेंटेंस के फॉर्मूले देखे मैंने आपको बताया फॉर्मूले ये मॉडल्स के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं जैसे एक्टिव के सेंटेंस में जैसे मॉडल्स के सेंटेंस एक्टिव वॉइस में आ जाता है उसको जब पैसिव में चेंज करते हैं तो पहले ऑब्जेक्ट मॉडल्स एज इट इज जो होगा वही वर्ड वो सेंटेंस में रहेगा फिर बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट्स नेगेटिव में मॉडल्स नॉट बी सब्जेक्ट फिर इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में पहले मॉडल्स फिर ऑब्जेक्ट फिर बी वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में हु वाले सेंटेंस में पहले बाय हूम नो मॉडल्स ऑब्जेक्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अब इनके सेंटेंस कैसे बनते फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखिए आप I can do it. No one can teach me. Could you drive a car? Who can lift 100 kg weight? आपके सामने मैंने सेंटेंस दिए हैं सारे मॉडल्स के अकॉर्डिंग तो आपको जैसा मैंने फॉर्मूला लिखा है फॉर्मूला को फॉलो करते हुए सारे सेंटेंस बनाने देखिए फर्स्ट सेंटेंस बनेगा इट कैन बी डन बाय मी नेक्स्ट में नो वन है तो नेगेटिव बनेगा तो आई कांट बी टॉट नो वन नहीं आएगा क्योंकि बिकॉज नो वन क्या है अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स था तो टॉट तक ही लिखना हमें नाउ नेक्स्ट सेंटेंस में कुड अ कार बी ड्राइवन बाय यू और लास्ट सेंटेंस में बनेगा By whom can 100 kg weight be lifted? ये आपके थे मॉडल्स के अकॉर्डिंग किस तरह से एक्टिव टू पैसिव में चेंज होते सेंटेंस जैसा मैंने पहले फॉर्मूला बताया फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैंने चेंज किए हैं तो फर्स्ट सेंटेंस है आई कैन डू इट इसका बनेगा इट कैन बी डन बाय मी नो वन कैन टीच मी जैसा कि बताया मैं नो वन अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं तो बाय प्लस मैंने सब्जेक्ट का यूज नहीं किया यहाँ पे इसका बनेगा आई कांट बी टॉट कुड यू ड्राइव अ कार इसका बनेगा कुड अ कार बी ड्राइवन बाय यू हु कैन लिफ्ट 100 kg वेट इसका बनेगा बाय हुम कैन 100 kg वेट बी लिफ्टेड तो ये थे हमारे मॉडल्स के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस जैसा कि आपको सारे समझ में आएंगे फार्मूलाज आप फार्मूला के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में जब भी सेंटेंसेस आए पहले फार्मूला को रीड आउट करें रीड आउट करने के बाद में इस तरह के हमको सेंटेंसेस बनाने हैं तो ये था हमारा एक्टिव टू पैसिव सेंटेंसेस जैसे सारे फार्मूला आप देख लेना और आपको हर सारे सेंटेंसेस के फार्मूला के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस बनाने हैं एक्टिव टू पैसिव में जैसा कि हमने सारे टेंस के अकॉर्डिंग कहा सेंटेंसेस बनाए सारे सेंटेंस आपको मैंने बताया था कि चार टेंसेस होते हैं जिनके एक्टिव टू पैसिव नहीं बनते तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इसके टेंस के सेंटेंसेस नहीं बनाए जाते इसके अलावा हमने मॉडल के सेंटेंस जाने किस तरह से बनाए जाते हैं अन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जाने
गोइंग टू वाले सेंटेंस हमने बनाए और लास्ट में हमने इंपरेटिव सेंटेंस भी सही सीखा। तो ये थे हमारे टोटल एक्टिव टू पैसिव के सेंटेंस। बाकी के सेंटेंस हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज आवर लेसन नंबर 6। लेसन नेम इज रूरल डेवलपमेंट एंड दिस इज पार्ट नंबर 6। ओके, वी ऑलरेडी हैव लर्न अबाउट ऑल थ्रू आउट द लेसन। वी हैव लर्न दैट हाउ द गवर्नमेंट गोइंग टू हेल्प फार्मर एंड हाउ गवर्नमेंट ऑलरेडी हेल्प द फार्मर इन डिफरेंट एरिया एंड डिफरेंट सिचुएशन for sustainable development and for the development of the country. Okay, so we already read the lesson. We already have to read the lesson and I have explained this lesson. But today we are going to learn about conclusion. So let's check the conclusion. What is the conclusion of the lesson and what we have to get lesson from this conclusion and from this lesson. Conclusion: it is clear that until and unless some spectacular changes occur, the rural sector might continue to remain backward. There is a greater need today to make rural area more vibrant through diversification into dairy, poultry, fisheries, vegetables and fruit, and linking up the rural production center with the urban and foreign markets to realize higher return on the investment for the products. Moreover, infrastructure elements like credit and marketing, farmer friendly agriculture policy and a constant appraisal and dialogues between farmers groups and state agriculture department are essential to realize the full potential of the sector. Today we cannot look at the environment and rural development as two distinct subjects. There is a need to invent or procure alternate sets of eco-friendly technology that lead to sustainable development in different circumstances. For this, each rural community can choose whatever will suit its purpose. देखो, हमने लेसन में बहुत सारी टेक्निक्स भी पढ़े, बहुत सारे तरीके भी पढ़े कि ऐसा तरीका अपनाना चाहिए। गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें भी की, लेकिन क्या होता है कि सारे ही तरीके सारी ही जगहों पे फिट नहीं बैठते। डिफरेंट सिचुएशन और डिफरेंट प्लेस के अकॉर्डिंग ये वेरी करते हैं, ये बदलते हैं। तो कहने का मतलब ये कि फार्मिंग के लिए हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत अच्छी है क्योंकि वो इको फ्रेंडली है और हमारे लिए भी बहुत फ्रेंडली, हमारे लिए बहुत अच्छी है। हमें उससे बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि हमारे शरीर को कम से कम कोई नुकसान तो नहीं होता, कोई बड़ी बीमारियां तो हमें नहीं मिलती उसको खाने से। नहीं तो ये है कि हम सीधा ऐसे केमिकल वाली चीज़ें खा रहे हैं, मतलब हम सीधी बीमारी ही खा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में नुकसान ही कर रहा है। और ऑर्गेनिक चीज़ें खाने से कम फ़ायदा नहीं हुआ तो नुकसान तो नहीं होगा, बिल्कुल फ़ायदा कुछ तो होगा ही, है ना। एकदम देसी, आपने सुना होगा पुराने लोग बोलते हैं कि हमने तो देसी घी खाया है, हमने तो देसी चीज़ें खाई है तो हमारा शरीर तो मजबूत है। और देखना, वो लोग लंबे समय तक जीते थे, है ना, अच्छे, उनमें स्टेमिना अच्छा रहता है, उनमें वो इतने जल्दी थकते नहीं, उनकी हड्डियाँ इतनी ख़राब नहीं होती, तो उनका पूरा रूटीन वैसा रहता था, उनका खान पान शुद्ध होता था, कम खाएं पर शुद्ध खाते थे। हमारा खान पान ऐसा हो गया, एक तो हमारा ये सब ये ऐसे ऐसे फूड हम खाने लग गए, फास्ट फूड वगैरह, जिन जो ऑलरेडी हमारे सिर्फ ज़ुबान पर अच्छे हैं और वो शरीर में जाते ही नुकसान ही पहुंचाते हैं। हमको खुद को पता है कि चीज़ हमें नुकसान पहुंचाएगी, फिर भी हम उसे खाते हैं।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो शरीर को नुकसान पहुंचाती है। वैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो भी प्रोड्यूस होंगी क्रॉप्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, वो हमारे शरीर को फ़ायदा ही पहुंचाएगी। पर कभी कभी क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहीं कहीं लोगों को सूटेबल नहीं होती, तो वो लोग ये दूसरी फार्मिंग भी ले सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि इस मैंने खुद ने भी टेलीविज़न में देखा था, किसी पता नहीं मोबाइल में देखा है, टीवी में देखा, कोई वीडियो देखा था कि किसान बता रहा था, पहले तो वो जो लौकी थी हाँ, वो इतनी छोटी सी थी, ठीक है। नॉर्मली अगर वो बड़ी होती तो उसको काफ़ी एक महीना या 15 दिन कुछ लगने वाला था। उसको उसने इंजेक्शन लगाया खाली एक, और 2 दिन के बाद देखा तो वो इतनी बड़ी हो गई, और वो मतलब पूरी तरह से परिपक्व हो गई, उसको बेच दिया। तो वो क्या, वो दवाई से परिपक्व हुई है, उसके अंदर के जो नेचुरल चीज़ें थी जिससे वो बड़ी होती है ना, और वो फिर वो टेस्टी लगती, स्वादिष्ट लगती, वैसा तो उसमें कुछ रहा ही नहीं। अब तो उसमें टेस्ट कैसा आएगा आप सोच लो। कभी कभी एप्पल भी अपन खाते तो अपन को लगता है कि कोई टेस्ट ही नहीं है, ना मीठा है, ना खट्टा है, ना कोई टेस्ट नहीं, कोई स्मेल नहीं है, बस खा रहे हैं इतना पता है, पेट भर रहे हैं थोड़ा बहुत उतना पता है, पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। तो सेटिस्फेक्शन इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि वो उस तरह से पेस्टिसाइड या वैसे केमिकल्स के थ्रू उगाया हुआ चीज़ है, तो वो अपने शरीर को, अपने मुंह में भी टेस्ट नहीं दे रहा और अपने शरीर को भी नुकसान पहुंचाने वाला है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसान अगर लालच में ये सारी चीज़ें करते हैं, है ना, और फिर इनसे कमाते हैं, लेकिन ये बात ध्यान में रखो कि इससे दूसरे लोगों को नुकसान भी होता है। तो ऐसा नहीं करना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है। ऑर्गेनिक चीज़ें अभी भी लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और काफ़ी महंगे में उनके, मतलब इतनी डिमांड है उन प्रोडक्ट्स की कि लोग उनको महंगे में ख़रीदने को तैयार हो जाते हैं, है ना। और दूसरे सारे केमिकल वाले चीज़ें इतने सस्ते में मिल रही, पर लोग नहीं खरीदना चाहते। उसका कारण यही है कि उनको भी अभी ये समझ में आने लग गया है। वैसे ही सरकार को ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने की कोशिश सरकार को भी करनी चाहिए, तो ये एक बहुत अच्छा कदम होगा। दूसरा, ये फिशरी पोल्ट्री है, पोल्ट्री सिस्टम था, और ये एनिमल्स के बारे में जो भी था, ठीक है, डेयरी सिस्टम या फार्मिंग सिस्टम, ये सबको फार्मर के लिए जो सिस्टम बनाए थे सरकार ने, अलग अलग मार्केट्स वगैरह जो अपन ने पढ़े इस लेसन में, तो इस तरह के सिस्टम से क्या होता है कि धीरे 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 डेवलपमेंट धीरे धीरे होगा, लेकिन वो डेवलपमेंट सस्टेनेबल रहेगा, टिका हुआ रहेगा, बना हुआ रहेगा, वो वापस कम नहीं होगा, वो बढ़ेगा ही या कम से कम बना हुआ रहेगा। तो इस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए, एकदम से एक दिन में डेवलपमेंट हो गया फिर वापस नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होगा, है ना। इसलिए सरकार भी क्या कर रही है, जड़ से धीरे धीरे काम कर रही है, पर धीरे धीरे भी होता रहना चाहिए डेवलपमेंट, रुकना नहीं चाहिए डेवलपमेंट, है ना, होता रहे, एक स्पीड से होता रहे। इसके लिए सरकार की मदद लोगों को भी करनी पड़ती है, लोगों को भी अपनी जिम्मेदारियां समझनी होती है, उन्हें भी ये पता करना होता है कि हमारे लिए क्या क्या स्कीम गवर्नमेंट ने शुरू की है, या किस तरह से हमें गवर्नमेंट हेल्प कर रही है इन मामलों में, या कोई चीज़ हमें नहीं समझ में आ रही तो हम कहाँ से इसकी इंक्वायरी ले सकते हैं। तो कंक्लूजन में यही बताया गया है कि सरकार कितने भी एफर्ट करें, पर लोगों का एफर्ट और सरकार दोनों का एफर्ट मिलेगा तभी रूरल डेवलपमेंट हो पाएगा, है ना। आगे पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देन वी नीड टू लर्न फ्रॉम एंड ऑल्सो ट्राई आउट व्हेन फाउंड रिलेवेंट प्रैक्टिसेस फ्रॉम द अवेलेबल सेट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस इलस्ट्रेशन, ब्रैकेट में क्या लिखा है, विच मीन्स सक्सेस स्टोरी ऑफ रूरल डेवलपमेंट एक्सपेरिमेंट दैट हैव ऑलरेडी बीन कैरिड आउट इन सिमिलरली कंडीशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। सो स्टीप अप दिस प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाई डूइंग। लर्निंग बाई डूइंग का मतलब क्या है, करके सीखो। लर्निंग बाई डूइंग का मतलब क्या होता है, करके सीखो। करके सीखो का मतलब है कि जो भी चीज़ें हैं आपके लिए उसे करके सीखना चाहिए, मतलब ट्राई करना चाहिए। तो सरकार ने ये जो भी अलग अलग क्राइटेरिया बनाए हैं, या अलग अलग स्कीम निकाली है, या अलग अलग ऐसे डेवलपमेंट के लिए स्केल बनाए हैं, या जो प्लानिंग की है, स्ट्रेटेजी बनाई है, इन सबको करना पड़ेगा, है ना। तो ये जो जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग की अपन ने बात की थी पिछले वाले पार्ट में,
तो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी फार्मर को थोड़ी हिम्मत करके ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी पड़ेगी, तो उसे पता चलेगा कि उसको किस तरह के रिजल्ट मिल रहे हैं। तो डेवलपमेंट भी अपने इस बुक में लिखा ऐसे से होना चाहिए, या ऐसे से गवर्नमेंट ने किया, किया वो तो हुआ, पर आगे ऐसा ऐसा होना चाहिए, सब लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा होगा तभी डेवलपमेंट होगा, है ना। तो वो करके देखना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हमें पता होती है कि ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, लेकिन हम करते ही नहीं, करेंगे नहीं तो फिर होगा क्या, वो नहीं होगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा हमें। इसीलिए जो भी कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं जिस भी एरिया में डेवलपमेंट के लिए, उन कॉन्सेप्ट पे पूरी तरह से काम होना ज़रूरी है। और काम हर सेक्टर में डेवलपमेंट होता है तो देश का डेवलपमेंट होता है। और अपने देश में रूरल डेवलपमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया इस लेसन के स्टार्टिंग में कि ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो अपनी रूरल एरिया में रहती है, है ना। और रूरल एरिया वाली जनसंख्या, रूरल एरिया का डेवलपमेंट होगा, उस पॉपुलेशन में डेवलपमेंट होगा, उन्हें सारी चीज़ें मिलेंगी। तो शहर तो वैसे भी डेवलप्ड होते हैं और वहाँ पर डेवलपमेंट चलता रहता है, शहरों में कम स्पीड से भी चलेगा पर चलता रहेगा। डेवलपमेंट का ज़्यादा ज़रूरत गांवों को होती है, तो रूरल डेवलपमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। गांवों का डेवलपमेंट होगा तो हमारे पूरे देश का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो अपना ये लेसन ख़त्म हो गया, और आप लोग ध्यान रखें कि आपकी नई बुक्स, किताबें आ चुकी है मार्केट में, उन किताबों में ये लेसन मिलेंगे। जैसे कि मैंने कुछ लेसन पढ़ाए हैं जो कट भी हो चुके हैं, उन किताबों में शायद नहीं होंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि नई किताब में कौन कौन से लेसन हैं, और पता है सिलेबस भी भेजा गया है आपको, सिलेबस के हिसाब से जो लेसन मैंने पढ़ा दिए हैं, सिलेबस में जो लेसन हैं आपके और मैंने पढ़ा दिए हैं, उन लेसन के क्वेश्चन आंसर अपने नोटबुक में कर लेना। हाँ, अगर मैंने ऐसा कोई लेसन पढ़ाया है जो आपके अब सिलेबस में नहीं है, क्योंकि आपका अभी नया सिलेबस आया है, उसका भेजा ना सर ने आपको, डॉक्यूमेंट भेजा गया होगा पीडीएफ, तो उस पीडीएफ में देख लेना, 11th अर्थशास्त्र हिंदी में ही है वो, पर उसमें लेसन के नाम है, तो जो उसमें लेसन के नाम है वही आपको अभी पढ़ने हैं, वही आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो वो लेसन जो मैंने पढ़ाया, जैसे मैंने एक गरीबी पढ़ाया है ना, पॉवर्टी, एक ये वाला पढ़ाया है अभी आज ख़त्म हो रहा है रूरल डेवलपमेंट, एक पढ़ाया है वो ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन 1991 वाला, वो जो है इकोनॉमिक वाला, वो वाला लेसन है। ऐसे कुछ लेसन है जो मैंने पढ़ा भी दिए और आपके सिलेबस में भी है, तो उनको आप अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। ये सारे थ्योरी वाले लेसन हो जाएंगे, उसके बाद मैं जाऊँगी स्टैटिस्टिक पे, सांख्यिकी पे जाऊँगी, और फिर अपन स्टैटिस्टिक भी शुरू करेंगे, उसके सम भी शुरू करेंगे। तब तक आप ये क्वेश्चन से करके रखो। और अब आपका एक दिन आ रहा है वीडियो और एक दिन छुट्टी है ना, वीडियो नहीं आ रहा, उसका रीज़न ये है कि जो भी काम आपका पेंडिंग है आपको इन दिनों में करना है, ठीक है। तो अपना लिखने का काम, इकोनॉमिक की नई बुक बनाओ और उस बुक में अच्छे से ये क्वेश्चन आंसर कर लेना, पीछे वाले क्वेश्चन आंसर ही करने हैं, ठीक है। इनके लिए कोई गाइड वाइड अगर आपको मिलती है मार्केट में तो उससे आप कर सकते हो। थैंक यू।